नमस्कार मित्रों, थ्री फेज ड्यूअल स्टार्टर का वायरिंग कैसे करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले तो हमें थ्री फेज ड्यूअल मोटर स्टार्टर को बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें दो थ्री वे टर्मिनल या फिर एक सिक्स वे टर्मिनल की जरूरत होगी। उसके बाद मोटर को चालू करने के लिए बटन, बंद करने के लिए बटन और एक थ्री फेज का कॉन्टेक्टर चाहिए, जिसकी कोयल वोल्टेज या तो 440 वोल्ट या तो 415 वोल्ट होना जरूरी है। फिर सभी को जोड़ने के लिए वायर की जरूरत है। अब हम कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। इनपुट आर को ऑन बटन के साथ जोड़ते हैं। ऑन बटन का दूसरा पॉइंट हम ऑफ पुश बटन के साथ जोड़ लेते हैं और ऑफ पुश बटन का दूसरा पॉइंट कॉन्टेक्टर कोयल के A2 टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि कॉन्टेक्टर कोयल A1 टर्मिनल B फेज के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल L1, L2 और L3 डायरेक्ट पावर सोर्स R, Y और B टर्मिनल के साथ जुड़े हुए हैं और आउटपुट टर्मिनल T1, T2 और T3 डायरेक्ट मोटर के साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम ऑन बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टेक्टर चालू होगा, परंतु कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा। कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए आपको जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है उस हिसाब से आउटपुट आर को उन पुश बटन के साथ जोड़ना होगा। अभी जैसे बताया उस तरफ से कंट्रोल वायरिंग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल को 4 square mm वायर के साथ जोड़ा है। कंट्रोल वायरिंग के लिए हमने 1.5 square mm वायरिंग का यूज़ किया है। अब जब मैं ऑन पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो कॉन्टेक्टर चालू भी होता है और होल्ड भी होता है, और जब हम ऑफ पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है। इफ यू नीड मोर डिटेल्स अबाउट कनेक्शन ऑफ थ्री फेज ड्यूअल स्टार्टर पैनल और ऑटो स्विच रिलेटेड इंफॉर्मेशन, राइट योर कॉमेंट्स। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।